नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला। ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है जो कि आप देख रहे हैं, क्योंकि प्रमोशंस के लिए मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज का अपडेट मिलता रहे। साथ में अगर आप हमारी डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और सुबह के 9 बजे है और हमारी चौथी क्लास है, जिसमें हमारे पास कुछ बच्चे अलग अलग लोकेशन से ज्वाइन किए हुए हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं चीजें जो कि VVM माइक्रो प्रोग्रामिंग के लिए और उससे पहले चीजें जो पढ़ती है। तो प्रफुल्ल जी, विजय जी, सॉरी प्रफुल्ल जी, नरेश जी एंड संदीप जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम इस क्लासेस में आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसी चीजें जो कि लोग सोचते हैं कि VVA से हो सकता है, लेकिन उसके लिए VVA की जरूरत नहीं पड़ती है। हम बात कर रहे हैं डेवलपर टाइप में इन बटन्स के इस्तेमाल का। जो बटन्स आपको दिख रहा है, इन बटन्स के इस्तेमाल की हम बातें कर रहे हैं कि क्या इस जो बटन्स इसमें दिए गए हैं, इनका यूज हम विदाउट VVA कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने VVA तो सीखा नहीं है। तो क्या VVA से पहले इन बटन्स का इस्तेमाल कैसे करें? तो चलिए हम इसकी बात करते हैं। हम शुरुआत मान लीजिए चार्ट से ही करते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम जो कि चार्ट पे होती है उसी से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ और मान लीजिए कुछ मंथ जैन का है, मार्च का, और यहाँ पे मान लीजिए मैं नेम रवि, कविता, मोहन, अब मैं यहां पे हम अपने रैंक बिटवीन का फॉर्मूला लगाते हैं। इस वैल्यू को अब मान लीजिए कि इस पे मुझे अगर चार्ट इंसर्ट कर, अगर मैं इस पे अपना चार्ट इंसर्ट करता तो प्रॉब्लम नहीं होगा कि चार्ट जो है विजुअल सही तरीके से नहीं है, सही तरीके से समझ पाना मुश्किल, क्योंकि इतने सारे कस्बे थे। लेकिन हमारा जो रिपोर्ट कहता है कि हमें कंपेयर, चार्ट किस लिए होता है? कंपेयर करने के लिए होता है। तो हमें बिटवीन टू पुनीत और रवि के बीच में जो है कंपेयरिंग नहीं करना है कि रवि और पुनीत में क्या सेल है, हमें करना है कंपेयरिंग कि पुनीत के अंदर में बाकी लोगों का क्या कंपेरिजन है, ये करना है, राइट? तो कैसे करें? क्योंकि मुझे अगर वन बाय वन करना पड़ेगा चार्ट, क्योंकि अंडरस्टैंड अच्छी तरीके से करने के लिए हमें एक एक करके चार्ट को इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल है। तो इसके लिए क्या करें? अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस डेटा को उठाते हैं, एक हेडिंग को उठाते हैं, यहां पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है, कॉपी एंड वैल्यू पेस्ट, रैंड बिटवीन का फॉर्मूला रिमूव करने के लिए। और फिर यहां पे हम वन ले देते हैं ऐसे ही, और यहां पे हम लगाते हैं फॉर्मूला ऑफसेट, कि आपसे हमने बोला ऊपर से जाओ और एक रो और एक कॉलम को पिक कर, एक रो और एक कॉलम, डेटा उठा लिया। अब आगे ड्रैग करने से पहले जो A11 है उसको मैं फ्रीज कर देता हूं, इसकी मदद से F14 और कंट्रोल R करता हूं। तो
सॉरी यहाँ पे हमने गलती कर दी, वन बाई वन नहीं, वन जीरो का कॉलम जीरो रखना है ना। हाँ जीरो, अभी तो गलत आ रहा था डेटा, अब सही है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके इस पे हम अपना चार्ट इंसर्ट करते हैं। हमने चार्ट को सिलेक्ट किया और चार्ट को यहाँ पे इंसर्ट किया, राइट। अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ कि टू कर दिया तो रवि आ गया, थ्री कर दिया तो कविता आ गया, फोर कर दिया तो मोहन आ गया। तो मैं क्या करता हूं कि इसको सिलेक्ट करके डेवलपर में जाता हूं और मैं चाहता हूं कि यहां से कॉमो बॉक्स हो और मैं ड्रॉप डाउन नेम करूं, क्योंकि नंबर तो उतना समझ में नहीं आएगा ना। तो मैंने यहां से देखिए, इसमें दो चीजें, एक हमारा एक्टिव एक्स कंट्रोल है जिसपे हमें मोस्टली वीवी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, और दूसरा हमारा फॉर्म कंट्रोल है जिसपे हमें वीवीए प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं होती है। हम यहाँ विदाउट वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें इसका लिस्ट आना चाहिए, कि इसमें यहाँ पे लिस्ट आना चाहिए। तो लिस्ट लाने के लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ सबसे लास्ट वाली ऑप्शन फॉर्मेट कंट्रोल पे जाता हूँ, फॉर्मेट कंट्रोल। एंड फॉर्मेट कंट्रोल में आने के बाद मैं यहाँ इनपुट रेंज करता हूँ और सेल लिंक जो हमारा है मैं यहाँ देता हूँ। मतलब क्या होगा कि यहाँ से ये उठाएगा लिस्ट और सेल लिंक यहाँ पे देगा आउटपुट, जो सिलेक्ट करेगा यूजर उसका आउटपुट यहाँ पे डालेगा। और थ्री करोगे तो चार्ट का पार्ट लगेगा वो। अब देखिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट किया पुनित को, तो भाई पुनित यहाँ रिफर नहीं, आपका जो A11 है वहां पे वो पुनित को रेफर नहीं करेगा, पुनित का सीक्वेंस नंबर रेफर करेगा, मतलब कि वन। और जैसे यहाँ पे वन हुआ, ऑफसेट ने अपना रिजल्ट चेंज किया, और जैसे ऑफसेट ने अपना रिजल्ट चेंज किया मतलब कि चार्ट का सोर्स चेंज हुआ, और चार्ट का जैसे ही सोर्स चेंज हुआ चार्ट अपने आप को चेंज कर। ठीक है सर, कहां पे क्या डाउट है आपको? ए देखिए क्या है ना सर, क्या अभी ए आपका जो एक कॉम्बो बॉक्स हमने डिजाइन किया हुआ है, एक कॉम्बो बॉक्स जो है ये यहाँ पे जो भी लिस्ट है उसका 1 2 3 4 5 यहाँ पे आउटपुट देगा, और मुझे इस 1 2 3 4 5 के बिहाफ पे यहाँ से रिजल्ट उठाना है कि अगर यहाँ 1 आए तो पुनीत का रिजल्ट आ जाए, 2 आए तो रवि का, 3 आए तो कविता का। ठीक है, तो यहाँ पे हम वी लुकअप तो लगा नहीं सकते क्योंकि वी लुकअप तक एग्जैक्ट नाम होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ऑफसेट का फॉर्मूला लगाया। ऑफसेट फॉर्मूला क्या करता है, ये लुकअप लुकअप करता है रो नंबर के अकॉर्डिंग। तो हमने बोला कि A1 मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ डेटा इज A1, कि आपका डेटा A1 से स्टार्ट है, और फिर मैंने बोला A11 मतलब कि A1 से छठे नंबर रो को और जीरो कॉलम के डेटा होगा। तो यहाँ से काउंट करेगा कि 0 1 2 3 4 5 6 और जीरो कॉलम पे डेटा आपका उदय दे दिया। अब A कॉलम में क्या है, A बताता है B1 से, A1 से ऐसे पूरा डेटा क्लिक कर रहा है, और जैसे यहाँ पे नंबर चेंज होता है तो ये अपने आप को चेंज कर लेता है। ठीक है, तो बटन्स का इस्तेमाल, कॉम्बो बटन का इस्तेमाल इसी तरह से जैसे हमने चार्ट पे अप्लाई किया ऐसे आप कहीं और भी कर सकते हैं। अब कॉम्बो बटन की जगह पे आप इसका जो लिस्ट बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स भी सेम इसी तरीके से आप ले सकते हैं। लिस्ट बॉक्स मतलब कि कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, बस छोटा सा डिफरेंस है कि अगर मैंने यहाँ पे लिस्ट बॉक्स डिजाइन कर लिया मान लीजिए, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट कंट्रोल करता हूँ और इनपुट रेंज में मान लो दे दिया, सेम तरीका है, और यहाँ सेल लिंक मान लीजिए मैं दे दिया,
तो देखिए अब क्या दिक्कत है कि हमें यहाँ पे नाम इस तरह से कुछ नाम दिखेगा, हमें चूज करना है और इसको इसको ड्रॉप करना है, ड्रॉप डाउन करना है, बस दोनों में यही फर्क है। तो एक कम स्पेस लेता है, ये आपका ज्यादा स्पेस लेता है। तो आप अपने समझ से इन दोनों में से किसी को इस्तेमाल कर सकते, राइट। अब चेक बॉक्स की बात करें, चेक बॉक्स ट्रू एंड फॉल्स देता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स में लगा दिया टारगेट, यहाँ पे दे दिया टारगेट टारगेट। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कहीं पे ट्रू प्रिंट करेगा, तो इसके लिए मुझे इसको बताना पड़ेगा कि कहाँ पे ट्रू को प्रिंट करना है। तो फॉर्मेट कंट्रोल पे आते हैं और मैं सेल लिंक देता हूँ यहाँ। तो अब एक यहाँ पे क्लिक होगा तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब इसके बिहाफ पे आप चाहो तो कुछ और कैलकुलेशन कर सकते हो, फॉर्मूला, जैसे कि मैं लगा दिया कि इफ, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे टारगेट दे देता हूँ टारगेट, और यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू दे दिया टारगेट की, और यहाँ पे हम अब यहाँ पे देते हैं इफ फॉर्मूला, आप कीजिएगा कि इफ अगर मैंने इसको ट्रू देखा तो इसको शो करना है, अदरवाइज ब्लैंक शो करना है। हमने इफ का सिंपल फॉर्मूला लगाया कि अगर इसका चेक बॉक्स जो टारगेट है, चेक बॉक्स इसमें लगाया है, उसका रिजल्ट अगर ट्रू है तो यहाँ पे टारगेट की वैल्यू को प्रिंट करो, अदरवाइज ब्लैंक प्रिंट करो। और आगे ड्रैग करने से पहले हमें इसको फ्रीज करना पड़ेगा D11 को, और फिर इसको सेलेक्ट करके हम आगे ड्रैग करेंगे। अब जैसे हम टारगेट को प्रिंट करेंगे, अब इसको चार्ट में इंसर्ट करना है, इंसर्ट चार्ट, नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसे नहीं हो पा रहा है तो राइट क्लिक कीजिए और जाइए सेलेक्ट डेटा में, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कीजिए और ये टारगेट सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे इसका रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसे हो जाता है ड्रैग करने से, बट क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, हो सकता है माउस में दिक्कत हो। ओके अब देखिए टारगेट ठीक है, आप लोगों को डाउट है इसमें? संदीप जी, नरेश जी एंड कुलदीप जी, ठीक है हो गया। अब इस तरह से आगे बढ़िए। अब मान लीजिए इसमें बटन है, रेडियो बटन है या स्पाइन बटन है, नेक्स्ट प्रीवियस के लिए होता है। अभी यहाँ रेडियो बटन पे एक बार एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मेरे पास मान लीजिए कि दो डेटा है, दो सेल्स डेटा है, मंथ सेल्स लगा दी और यहां पे हमने और एक और यहां पे देते हैं नेम, कि नेम के हिसाब से भी सेल है, नेम के हिसाब से भी हमारा सेल्स है। तो दो डेटा वैल्यू है, दो डेटा वैल्यू है यहाँ पे हम दिए सेल्स, ठीक है। और आप इसको अलग अलग सीट पे भी रख सकते हो, लेकिन मैंने इसको अलग अलग नेम दे दिया है, मैंने यहाँ इस पे
अलग अलग मेन दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहां चूज करना चाहता हूं कि मैं किसी भी जगह पे मान लीजिए इसको अलग अलग सीट ही दे देते, मान अलग अलग हम सीट देते, और तीसरे सीट पे मैं यहां पे डेटा चाहता हूं, तो जाहिर सी बात है हम यहां इक्वल ऑफसेट लगाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे कॉमा वन कॉमा जीरो, जीरो कॉमा नीचे तक हम ड्रैग कर देते हैं, आगे भी ड्रैग रिजल्ट आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं यहां पे रेडी बटन बनाना चाहता हूं, मैं बनाना चाहता हूं ये रेडी बटन यहां पे, मैं यहां पे ऑप्शन लगाता हूं एस ओ और फिर एक और हम यहां पे बटन देना चाहते हैं चाहता हूं कि मैं एसओ पे क्लिक करूं तो सीट टू से डेटा उठे, मंथ पे क्लिक करना चाहता हूं तो सीट वन से डेटा उठे और सीट थ्री से डेटा उठे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसमें भी हम यहां पे प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है, क्या राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाएंगे, 3D करना 3D कर दीजिए और लिंक में मैं कहीं भी दे दूँ तो मैं यहीं पे लिख दीजिए, ठीक है। तो अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो 2 आएगा, इस पर क्लिक करूँगा 1 है, क्योंकि पहले मैंने इसको डिजाइन किया है फिर इसको डिजाइन किया है, तो जैसे जैसे आप डिजाइन करोगे वैसे वैसे आपको सिक्वेंस आएगा, और हर किसी में जाके फॉर्मेट कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, आप एक में कर दिए तो बाकी सब में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो फॉर्मेट कंट्रोल या आप 3D कर सकते, 3D करने के सफर करें जानकर, और मैं चाहता हूं कि इस पे कल क्लिक करूं मंथ वाइज डेटा आए एसओ में डेटा आए, तो यहां पे मंथ वाइज के लिए यहां पे हम चूज लगा सकते हैं कि चूज कि अगर ये 1 है मतलब कि 1 है तो ये पहला फॉर्मूला चले, अगर 2 है तो दूसरा फॉर्मूला चले जो कि सीट टू से है, या सीट टू कर देता हूं सिंपल, और फिर इसको अब इसको आगे ड्रैग करने से पहले सीट थ्री को फ्रीज करना पड़ेगा F4 और इसको ड्रैग कर दिया, ठीक है। अब इस पर क्लिक करो, ठीक है, इसका इस्तेमाल करो। अगर आगे देखें इसमें तो जैसे बहुत सारी चीजें और भी है, जैसे कि ये एक चीजें हैं, तो इन जीओ का यूज के लिए तो आपको वीडियो प्रोग्रामिंग की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, विदाउट वीडियो तो सही यूज करके नहीं होगा। लेकिन कुछ है जैसे कि टूल्स में जाते हैं मोर कंट्रोल्स में आप जाते हैं, मोर कंट्रोल्स में जाते हैं, चाहते हैं कि आपको यहाँ पे कुछ और चीजें हैं इसमें जो कि आप इसका इस्तेमाल विदाउट वीवीए कर सकते हो, जैसे कोई फ्लैश ऑब्जेक्ट है यहां पे ला सकते हो,
माइक्रोसॉफ्ट फोल्डर व्यू, एक बार देखिए इसको, मैंने कभी ट्राई किया नहीं है इसको, एक बार ट्राई करके देखता हूँ। नहीं ये नहीं आया, इसके लिए फिर वो लेना पड़ेगा हमें। जैसे कि इसमें अगर आप आए कि आप विंडो मीडिया प्लेयर को प्ले करना चाहते हो, विंडो मीडिया प्लेयर को प्ले करना चाहते हो, ये देखो विंडो मीडिया प्लेयर लीजिए और इसको ड्रैग कीजिए। लेकिन इसे प्ले कैसे होगा, तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाके यूआरएल जो दिख रहा है ना सर, इसमें आपको अपना जो भी आपका ये है वीडियो का पाथ है, उस पाथ को डालना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर मैं सिलेक्ट करिए, यहाँ पे डाल देता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी में यूआरएल में डाल दिया। अब देखिए जैसे मैं यहां से डिजाइन टूल्स को हटाऊंगा, कनेक्टिंग और मेरा वीडियो प्ले हो गया। ठीक है सर प्रफुल्ल जी, ऐसे आप यहाँ पे जैसे कि और भी बहुत सारी चीजें हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। जैसे कि मैं ब्लर हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये बाव बाव की चीजें से देखना पड़ेगा एक बार, मैंने भी सारे चीज यूज नहीं की, कभी यूज हुआ ही नहीं। सॉक बेस फ्लैश ऑब्जेक्ट, कुछ दिन पहले मेरे यूट्यूब पे एक वीडियो आई थी कि यूट्यूब की वीडियो कैसे प्ले कर सकते हो, तो इसी के थ्रू हुआ था। इसके भी आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इसमें मूवी के अंदर में यूट्यूब का लिंक डाल देंगे तो प्ले हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब का वीडियो आपका एक्सेल में प्ले होगा, कर लोगे या करके दिखाऊं? चल ठीक है, इसके लिए एक यूट्यूब का वीडियो लेना पड़ेगा, कोई भी एक वीडियो आपको उठाना पड़ेगा, कोई भी, मैं अपना ही उठा लेता हूँ, चलो मैं इसी को उठा लेता हूँ, पता नहीं कौन सी वीडियो देखी भी नहीं जल्दी से। अब यहाँ पे ऐसे हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते, डायरेक्ट डालोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसको वॉच जो है ना और वी जो है और इक्वल जो है इसको हटाना पड़ेगा, नहीं वी और रखना, वी रहेगा और ई हटेगा, इस तरह से इसी तरह से डालना होगा। और फिर इसको कॉपी कीजिए और इसको सिलेक्ट करके इस मूवी में आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और इसको डिजाइन मोड से हटाइए। ठीक है, प्ले कीजिए, प्ले हो जाएगा, समझ गए सर? तो ये चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए हमें वीवी की जरूरत नहीं है, हम विदाउट वीवी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गूगल प्ले का देख रहे नहीं, गूगल प्ले के लिए हमने वहां से ऑब्जेक्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, कुछ चीजें नहीं चलेगी क्योंकि इसका प्लगइन को आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं किया गया है, इसलिए। ठीक है सर,
ये सब जो है इसमें देखिए इसके लिए इसका थोड़ा इसमें थोड़ा सा एक्सटर्नल होता है कि ऑब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट करने के लिए होता है, तो इसके बारे में बताऊंगा आपको, इसलिए थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी इसके बाद। देखिए ये परफॉर्म कब करेगा पता है आपको सर? परफॉर्म करेगा जब उसको डिजाइन मोड को हटाओगे। तो एक बार इसी तरह से आप देख लो जितने भी आपके ये है, एक बार इसको अप्लाई करके देखो। जब मैं यूट्यूब वीडियो प्ले करना सिखाया, विंडो मिलर प्ले करना सिखाया, जिसके लिए कोई जरूरत नहीं है आपको इसका, तो इसका भी इस्तेमाल हम आसानी से कर सकते हैं। और इसमें बाकी सारे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसके क्या है कि पैचेस को डाउनलोड करने पड़ते हैं और इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, इसलिए। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट वेब ब्राउजर, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इंटरनेट को एक्सरसाइज करने के लिए। ऑब्जेक्ट को दिख रहा है, ये जो वेब ब्राउजर दिख रहा है ना आपको, इसका इस्तेमाल हम करते हैं इसका पैच डाउनलोड करने पे हो जाएगा। जैसे मेरे पास दो दो वर्जन डले हुए हैं ना, इसमें कभी कभी दिक्कत हो जाती है। माइक्रोसॉफ्ट वेब ब्राउजर, इसी इंटरनेट एक्सप्लोर आपका एक्सेल नहीं खुलेगा, इंटरनेट एक्सप्लोर आपको यहीं पे खुलेगा। लेकिन इसका पैचेस लग रहा है हट गया है, तो इसका पैचेस लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग अपने पास ट्राई कीजिए, हो जाएगा। तो इंसर्ट में एक तो फॉर्म कंट्रोल का कैसे इस्तेमाल करोगे, और एक्टिवेक्स के मोर टूल्स भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसका भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके लिए वीवीए प्रोग्रामिंग की जरूरत है, बट अभी हमने वीवीए प्रोग्रामिंग को सीखा नहीं है, जब सीख जाए। तो दोस्तों देखा किस तरीके से मैं अभी ऑनलाइन क्लासेस दिया, आप भी चाहो तो हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। मेरी वेबसाइट पर जाइए, डेमो क्लासेस का बुक कीजिए। अगर आपके पास क्लास नहीं रेगुलर नहीं ले सकते हैं, तो हमारी डीवीडी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने सिर्फ प्रमोशनल वीडियो ही डाली है, सारी वीडियो अवेलेबल नहीं है। आप चाहो तो हमारी डीवीडी परचेज कर सकते हो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाके। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।